Hello guys, this is Tarun back with another video on this channel today. On this channel, new video is about gym hair. क्या आपको जिम गंजा कर सकता है अगर आप अंधाधुंध जा रहे हो तो क्या ऐसा हो रहा है कि आप गंजे हो रहे हो जिम की वजह से? क्या आपको ऐसा लग रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चलो बात कर लेते हैं एक्चुअली जिम की वजह से आपको हेयर फॉल हो भी सकता है या नहीं हो सकता है. एक्चुअल में अपन जब जिम जाते हैं तब अपने पसीना आता है बहुत ज़्यादा, अपने स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत कुछ ज़्यादा खुल जाते हैं, अपने पोर्स भी ओपन हो जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स खुल जाने की वजह से, जिसकी वजह से हमको पिंपल्स होना बंद हो जाते हैं. वो एक अच्छी बात है अपने जिम जाने की. और जिम जाने की वजह से अपने बालों में से काफ़ी पसीना आता है, तो जिसकी वजह से अपने बालों में बहुत ज़्यादा है ना सोडियम है ना बहुत ज़्यादा सोडियम मतलब NaCl इकट्ठा हो जाता है, मतलब थोड़ा नमकीन टाइप के हो जाता है, पसीना नमकीन टाइप का होता है, तो उसको बालों पर ड्राई कर देता है. और जिसकी वजह से आपके बाल ड्राई होने की वजह से थोड़ी ब्रिटल स्टेट्स में जाते हैं और फ्लाई अवे टाइप हो जाते हैं और फ्रिजी हो जाते हैं. जब भी आप कभी भी शैम्पू करोगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रिजी होंगे, टूटेंगे ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से. तो इसकी वजह से आपको है ना आपके बाल को में ब्रेकेज दिखता है, जिसकी वजह से आपको ये नोटिस होता है कि आपके हेयर फॉल बढ़ गया है पहले से. इस दर आपके 5-6 स्ट्रैंड्स टूटते थे दिन के, जो आपके 40 स्ट्रैंड टूटने लग गए हैं. ये मोस्टली केसेस में होता है इस वजह से, या फिर आपकी डाइट सही नहीं है इसकी वजह से भी होता है. और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने जिम ज्वाइन किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी था, हद से ज़्यादा आलसी. मैं घर का कोई काम नहीं करता था, सारे दिन बैठा रहता था और कुछ भी नहीं करता था. और फिर मैंने ज्वाइन जिम किया, फिर मैंने स्टार्ट किया और मैंने 2 महीने में अपना 12 kg वेट कम कर लिया. जो मेरे को अचीव करना था मैंने कर लिया बहुत फास्टली 2 महीने के अंदर अंदर. और आप अचीव कर लेते हो उसके बाद, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वेट कम करो उसके बाद जिम कंटिन्यू रखो और आपको बॉडी बनाना ही ज़रूरी है. नॉर्मल बॉडी वाले इंसान भी इस दुनिया में जी रहे हैं, ज़रूरी नहीं है. आपको बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है, सीधी सी बात है. हर चीज़ बॉडी नहीं होती, खुद से भी प्यार होना चाहिए, सीधी सी बात है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम 4-5 महीना जिम जाओ, अपने हिसाब से फिट हो जाओ, उसके बाद अपने दिमाग में फिटनेस के प्रति बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ कि मुझे सुबह चक्कर काटने जाना है या रन करने जाना है, किसी भी वॉक लेने जाना है, कुछ भी स्टार्ट कर दो, जॉग करना स्टार्ट कर लो, घर पे कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो, जंपिंग इस टाइप की एक्सरसाइज, पुशअप्स लगाओ, पुलअप्स लगाओ घर पे, कुछ भी स्टार्ट कर लो, जिसकी वजह से आप फिट भी रहोगे और वो जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जिम में. और दूसरी बात, ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअली जिम में हेयर फॉल होता क्यों है. मैं टॉपिक से भटक गया था. मैंने जैसे बताया पसीने की वजह से होता है मोस्ट प्रोबेबली कि बाल ड्राई आउट हो जाते हैं, तो कोशिश करो बालों में ऑयल लगा के जाओ. मैंने ये नोटिस किया था अपने जिम के इसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था क्योंकि मुझे हद से ज़्यादा दूसरों से बहुत ज़्यादा पसीना आता है इसकी वजह से. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को एक आयुर्वेद के डॉक्टर ने सजेस्ट किया था भृंगराज तेल, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल थोड़ा थोड़ा स्टॉप हुआ. लेकिन एक्चुअल में मुझे जैसा दिखना चाहिए था ना जितना रिजल्ट, उतना नहीं दिखा. लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी, उसकी वजह से मेरे वाइट हेयर बहुत कम होने लग गए, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बाद में. अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि किस किस तरीके से वाइट हेयर कम कर सकते हैं अपन. और मोस्ट प्रोबेबली मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मेरे वाइट हेयर कम हो गए. और उसके बाद मैंने जिम लेफ्ट कर दिया, उसके बाद मैंने जिम जाना छोड़ दिया, उसके बाद मैं अपनी फिटनेस को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया हूँ. आपको भी स्ट्रिक्ट हो जाए अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके हेयर फॉल हो रहा है, जिम छोड़ना चाहते हो. दूसरी बात, आप इसके लिए कुछ और अच्छी चीज़ें कर सकते हो अपना पसीना रोकने के लिए, कि बैंडाना पहन के जाओ जिम में ताकि बालों तक पसीना इतना पहुंच नहीं पाए, सारा उससे सूख जाए बैंडाना, उसको सारा एब्जॉर्ब कर ले. या फिर दूसरी चीज़ आप है ना कुछ तरह के डीप कंडीशनिंग लोशन या फिर डीप कंडीशनर्स लगा के जा सकते हो, जिसकी वजह से आपके बालों में मॉइस्चर मेंटेन रहे और है ना आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना आए. जहाँ तक आप इस मामले में अगर आप सोचोगे कि मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ तो डॉक्टर कुछ भी नहीं करेगा, फालतू की मिनोक्सिडिल्स और ये बेकार की दवाइयाँ दे देगा, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा. बाद में हो सकता है ये कंडीशन हो जाए कि आपका हेयर फॉल बढ़ भी जाए, इसलिए बढ़िया है कि ये बंद कर दो.
और ऐसी कोई खास बात नहीं है ज्यादा, आपको है ना पसीना आने से रोकना है। और ऐसा करो ज्यादा ज्यादा कि घर पर आओ तो अपने बालों में ज्यादा देर पसीना रहने मत दो, और है ना बालों को घर पे आके धो लो। ये नहीं कि शैम्पू से धो लेना है, खाली पानी से अपने हेयर हेयर को शावर में पानी से धो लो। शैम्पू से धोओगे तो शैम्पू तो और ऑयल्स को स्ट्रिप आउट कर देगा और ड्राई हो जाएंगे बाल, कोई मतलब नहीं है। चाहो तो कंडीशनर कर लो, कंडीशनर अच्छा है, और कंडीशनर बढ़िया वाला लेके कर लो जिसमें है ना अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो, अच्छे ऑयल्स हो, वापस नरिश कर देगा वो आपके बालों को, टूटने से बचाएगा। और ऑयल्स लगाने की कोशिश करो ताकि मॉइस्चराइज होते रहें, ठीक है। और ज़्यादा लंबी तो नहीं करना चाहता मैं वीडियो, वैसे यही वीडियो है, मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया था। वैसे अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेयर ग्रेइंग के ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, और अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना ताकि वीडियो आगे तक पहुँचे। मेरे ख्याल से मैंने देखा है इस टॉपिक पे किसी ने भी वीडियो अभी तक नहीं अपलोड करी है। मैंने अपने जिम के अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने जिम क्यों छोड़ी, क्यों मैं इस तरफ आया, और कोई दिक्कत नहीं वैसे जाओ तो ठीक है अगर आपको जहाँ तक हेयरफॉल नहीं हो रहा, बाकी फिट तो कभी भी हो जाओगे लेकिन बाल तो एक बार चले जाएंगे फिर क्या होगा। इसलिए ध्यान रखो, स्टे फिट स्टे हेल्थी। सो बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड नमस्ते, बाय बाय।